हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी टेट 2011 के ईवीएस सॉल्यूशन को करने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में जो आया था ईवीएस में, फर्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। देखिए पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इट मीन्स आपने पता होगा आपको, जैसे कि हमारी अर्थ पे फोर डोमेन्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र उसे कहते हैं जिसमें ये तीनों स्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, जो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जल एक जल तो नहीं सॉरी ये तालाब है, जो है तालाब यहाँ पर हमारा पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन जीवीय कारक नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट ए बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक में आप जानते ही हैं जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये तो होते हैं सूक्ष्म जीव, जो जीवित चीज़ें हैं वो बायोटिक फैक्टर है। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे आपको, बिल्कुल एकदम जैसे घुमाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको डरना नहीं है, तो एकदम प्योरीफाई हिंदी मिलती है। प्रस्तर देख लीजिए, प्रस्तर क्या होता है, ठीक है, प्रस्तर होता है पत्थर, तो पत्थर हमारा जीवीय कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब पेड़ पौधे आप लोग को पता ही है, वायु में, वायुमंडल में तो पेड़ पौधे पाए नहीं जाते, जलमंडल में नहीं पाए जाते, पाए तो जाते हैं लेकिन इतने नहीं, और प्रकाशमंडल, फोटोस्फीयर, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसका आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो होगा स्थल मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मृत जंतुओं पर निर्वाह, जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। अब देखिए मृत जंतु, जब जंतु मर जाता है उसको कौन खाता है, आपको पता होगा, जैसे हमारा कीड़ हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्केवेंजर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस बोलते हैं स्केवेंजर, ये मृत जंतुओं को खाते हैं, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन का है सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सीएनजी का संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। गैस को जब हम कंप्रेस कर लेते हैं, यानी बहुत प्रेशराइज्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसको उसका ये सीएनजी जो है फिर उसको लिक्विड बना के अब वाहनों में यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो इसका आंसर होगा हमारा WWF, इट मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। कुछ लोग UN भी बता रहे हैं, ठीक है, तो UN एक्चुअली क्या है कि UN जो है वो यूनाइटेड नेशंस की फुल फॉर्म है, तो UN के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं आती हैं, UN के अपने भी अंग होते हैं, ठीक है, तो ये WWF जो एक ऑर्गन्स है UN का, तो ये हमारी पर्यावरण की देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। अभी आप ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर क्वेश्चन है और बहुत ही लोग इसको गलत कर देते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। देखिए मैं आपको बता दूं, कीटनाशियों के अत्यधिक उपयोग से जब ज़मीन में डालेंगे, और उसके बाद ज़मीन में डालने के बाद जब हम कीटनाशी, एक्चुअली क्या है कि जब पेड़ पौधों में फिर हम सिंचाई में पानी ज़्यादा देते हैं, तो उससे हमारी जो वाटर पोल्यूशन होता है, इसका जो मेन आंसर होगा वो आपका होगा वाटर पोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लवण जो जल को अवशोषित करता है, ठीक है, साल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर, तो इसका आंसर होगा हमारा हाइड्रोस्कोपिक साल्ट, ठीक है, इसका ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, हाइड्रोस्कोपिक साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवाश्म, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रतियुक्त, देखिए कितनी कैसी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो 2011 के EBS में बहुत ही प्योरीफाई लैंग्वेज एकदम से, तो आप एकदम से घूम जाएंगे, तो अब जब भी कभी आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो आप अपनी लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश भी दी होती है, आप इंग्लिश को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इसमें इसको समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं, बस यही है कि जनसंख्या का रखरखाव, यानी हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को कैसे संरक्षित रखते हैं, और तो ये इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एक्सीटू का मतलब होता है, ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सी वाला आंसर ये वाला राइट होगा, एक्सीटू।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 जल भागों 150 मिलियन वर्षों से ज़्यादा समय से उपस्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले पांच प्रजातियों के समुद्री कच्छप में। कच्छप क्या होता है? कच्छप होता है कछुआ, और ये बहुत पुरानी जाति है, जीवाश्म इसके जीवाश्म पाए जाते हैं। और हमारे जो ये कछुए हैं ये सबसे ज़्यादा इंडिया में, मैं आपको बता दूँ, ये कछुआ उड़ीसा के जो है गाहिर माता नाम की जगह है, गाहिर माता जगह, और वहाँ पे उस पे जो है उसके तट पर ज़्यादा मिलते हैं ना। और इस कछुए की लंबाई 70 सेमी तक हो जाती है, और इसके जो वेट हो जाता है वो 45 kg से लेके 50-60 kg तक भी हो जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड में इन कछुओं को अगर देखेंगे तो ये मेक्सिको के तट पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा जो ओलिव रिडले कछुए हमारे हैं ये, ठीक, ये सबसे ज़्यादा पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। इट मीन्स देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग से पूछा है, वर्ड इतने डिफिकल्ट होते हैं इंग्लिश में, तो जब भी आपको समझना है तो आप लेफ्ट साइड इंग्लिश देख लीजिए, सॉरी हिंदी में वर्ड ऐसे देते हैं, विश्व ऊष्मायन है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि वायु प्रदूषण से होती है। इसका क्वेश्चन सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत है, कैसी लैंग्वेज है जगह आवृत है, जो है लगभग आप जानते होंगे 75% पे हमारा वाटर है, ठीक है, 25% हमारे यहाँ अर्थ पे जो है 25% जीवन ये लैंड है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है, तो स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट ये जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है फ्रेंड्स, CaCO3 इनसे मिलता है, निम्न में से वायु प्रदूषण का उदाहरण है। अब वायु प्रदूषण आप जानते हैं धुएं से भी, कोहरे से होता है, जल्दी लकड़ी के धुएं से भी होता है, वाहनों के धुएं से भी होता है, सभी, तो ये इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत एवं दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्रयोग वर्जित हैं, गैप, इस गैप में क्या आएगा, कागज़ के थैले से क्या प्रदूषण को रोकने के लिए, कागज़ तो गल जाता है, ठीक है, प्लास्टिक, नायलॉन, चमड़ा, चमड़ा भी गल जाता है, तो प्लास्टिक ज़्यादा हानिकारक है, नायलॉन, नायलॉन और प्लास्टिक में दोनों में तो प्लास्टिक ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इसका बी आंसर होगा, प्लास्टिक के थैले। 16 क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया गया है ना, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, विश्व ऊष्मायन का निम्न में से कारक है, तो विश्व ऊष्मायन का निम्न में से कारक, वैसे तो आप तो समझेंगे कि गर्म हवा तो भट्टियों से भी निकल रही है, पेड़ पौधों से भी गैसें निकलती है, रसोई से भी गैस निकलती है, लेकिन वाहनों से निकलने वाली सबसे ज़्यादा हानिकारक वाहन बहुत हैं भाई, तो फिर ये इसका आंसर होगा 16 का ए, ठीक है। धातुमय प्रस्तर कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अब धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है ना, तो धातुमय प्रस्तर मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत प्रस्तर होता पत्थर, और धातुमय ऐसे पत्थर जिसमें धातु पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं अयस्क, हिंदी में कहते हैं इसको अयस्क, और वैसे इंग्लिश में कहते हैं इसको ओर, जिसका आंसर होगा डी, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, जी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को दे दें, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप मापा जाता है, देखो न्यूटन में नहीं नापा जाता, डेसिबल में नहीं, बफोर्ट में नहीं, रिक्टर स्केल, और रिक्टर स्केल क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट थे रिक्टर जिन्होंने सीज्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको कहते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर एन अर्थक्वेक, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20, महासागरों के जल स्तर वृद्धि का कारण, मैं आपसे बता दूं हमारे पोल्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, पोल्स हमारी अर्थ के पोल्स पे जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनके ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो हमारे जो सागर हैं वो उनका जो है वाटर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। और 21 क्वेश्चन में, हवा में O2 का परसेंट, हवा में ऑक्सीजन का परसेंट पूछ रहे हैं, 21% हमारे ऑक्सीजन है, इसका आंसर होगा डी, और 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, तो 1% अदर गैसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, इसमें आता केल्विन, ठीक है, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, ऑल, देखिए सारे तो हो ही नहीं सकते, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, इससे इनसे ज़्यादा तापक्रम, ये परम तापक्रम की बात पूछे तो केल्विन, केल्विन का फॉर्मूला होता है C K = C + 273, ठीक है, यानी सेल्सियस से भी 273 ज़्यादा हो जाता है,
फॉरनहाइट और सेल्सियस क्या है, ये एक साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने अपने अपने जो स्केल बनाए टेम्परेचर को नापने के लिए, उसका इनके इनके नाम पर ही ये थर्मामीटर के नाम तर रखे गए हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस क्रिया को पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस होती है, देखिए सभी पौधों में नहीं होती, सभी जंतुओं, जंतुओं से मतलब नहीं है, तो तीसरा आता है सभी हरे पौधों में। जी हाँ सर, जिसमें भी हरे पौधे होंगे वहीं पर जो है फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सभी हरे पौधों में। ठीक है, क्लोरोफिल इसके लिए ज़रूरी होता है, और जो हरा रंग होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं पत्तियों में, तो इसलिए सभी हरे पौधों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, देखिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीबल में, एक लिखा है डेसीमल में, ये भी नहीं होगा, डेसी में नहीं, फॉन में नहीं, ये कुछ तो बना के लिख देते हैं ऐसी डेसी डेसीमल, तो इसका होगा डेसीबल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा, देखिए कागज, कागज़ बायोडिग्रेडेबल है, ज़मीन में गल जाता है, हानिकारक नहीं है, कपड़ा भी ज़मीन में गल जाता है, हानिकारक नहीं है। और मैं आपसे बता दूं, धातु, धातु जो ज़मीन में पहले से होती है, पत्थर में, अभी पीछे क्वेश्चन आया था धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक नहीं गलती, इसलिए प्लास्टिक हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 26, वातावरण में अत्यधिक सल्फर मिश्रित गैस है, ठीक है, तो वातावरण में अत्यधिक सल्फर मिश्रित गैस, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक तो पहली है सल्फर, दूसरी है हाइड्रोजन सल्फाइड, और तीसरी है आपकी आती SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और चौथी आती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जहरीली गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, समझ रहे हैं, और ये SF6 ये नॉन टॉक्सिक है। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं आप वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ना तो उसको आप रोक सकते हैं, ना उसको कम कर सकते, मछलियों से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, वायु से, मछली पानी में रहती है, जंतुओं से भी कोई मतलब नहीं है, और वृक्ष द्वारा, वृक्ष लगाएंगे वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, ये क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन एग्जाम में रखा मिलता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। 1972 को रियो डी जेनेरियो, आप समझ जाएंगे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे एक पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान जब 1972 में मीटिंग हुई थी काउंसलिंग, और तभी से जो है 5 जून 1972 को हुआ था, तभी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्य की हानि किरणों से, हानिकारक किरणों से बचाने को कौन सा स्तर, देखिए मैं आपको बता दूँ कि कुछ स्तर होते हैं, है ना, सबसे नीचे वाले को ट्रोपस, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उससे ऊपर वाले को फिर स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, फिर मैसो, फिर थर्मो, फिर एक्सो। इंग्लिश में तो ये है, लेकिन वैसे अगर हिंदी में बोलें तो पहले क्षोभ मंडल, और फिर आता है, फिर उसके बाद आई थिंक समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है, और मध्य मंडल के बाद फिर आता है आयनो मंडल, फिर एक्सो मंडल, तो ठीक है ये आयनो एक्सो। तो इस तरीके से आप, मैं बता रहा हूँ कि सबसे नीचे वाली परत से जो दूसरे नंबर की परत होती है उसमें हमारी ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में, और ओजोन हमें जो बचाती है, ठीक है, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, और जो हानिकारक किरणें आती है वो आती हैं अल्ट्रावायलेट सी, सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, आयन मंडल नहीं, क्षोभ मंडल नहीं, चुंबक द्वारा नहीं, ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30, किस जगह को फ्लोरा फाउना सूचित करता है, तो किसी जगह के फ्लोरा फाउना सूचित कर, ये किसी जगह के किस, किन किन चीज़ों को फ्लोरा, फ्लोरा कहते हैं पेड़ पौधों को, और फाउना कहते हैं जंतुओं को, ठीक है, जीव जंतुओं को। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा फर्स्ट, फ्लोरा फाउना। ठीक है, इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि 10 या 15 मिनट में हो गए होंगे, तो और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो EVS में कराने वाला हूँ, EVS की सारी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है, और EVS के बाद अदर सब्जेक्ट की भी, और आप 3 सब्जेक्ट से ही अपना UPTET 2019 क्लियर करेंगे, इट माई प्रॉमिस। अगर आपको मेरा चैनल या मेरे वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू सो मच।